Everybody get your fucking hands up. Yo, what is up guys, here your boy Unshaded with another brand new episode or series. आज यार फिर से हम ट्राई कर रहे हैं एक और नई एपिसोड लाने की, एक और नई सीरीज लाने की, ठीक है। फिर से हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के नए वर्ल्ड पे और ये वर्ल्ड में खेल रहे हैं हम दो बंदे मिलके, मींस मैं और डेवस्टर के मोज। और इस पर कुछ ऐसा नहीं है कि उसके चैनल पे भी आपको इसका वीडियो मिलेगा सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से, पर नहीं, सिर्फ हमारे चैनल पे है। और साथ में अगर उनको भी सपोर्ट करना चाहते हो डेवस्टर गेमर्स को, तो जाओ यार यूट्यूब पे मिल जाएगा इजी और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा। तो बात कर ले ये सीरीज़ की, ये हमारी है माइनक्राफ्ट की सीरीज़ जो भी ब्रांड न्यू हमने स्टार्ट की है। पहला एपिसोड है, दूसरा एपिसोड भी आएंगे, थोड़ी देर लगेगी पर आएंगे ज़रूर। एडिटिंग वगैरह यार थोड़ा सीख रहे हैं, समझ जाओ। और फिलहाल इस वाले वर्ल्ड की बात करें, जैसे वर्ल्ड पे आए दिखा क्या हमें, आपने पहले ही देख लिया होगा थोड़ा वो इस थोड़ा समझ रहे हो यार इतना चलता है। पर डायरेक्टली हमको यार स्नो बायम वाला एरिया मिल चुका है, स्नो बायम बोल सकते हो, ये आइस बायम तो नहीं बोलूँगा, स्नो बायम। अच्छा खासा स्नो है आसपास, अच्छी खासी हरियाली है, घास भी है, मीन्स दोनों एक साथ है। और सामने देखे तो मिल रहा है हमें देखने को प्यारा सुनहरा एक अच्छा सा स्नो बायम का विलेज। अच्छा विलेज मिला ज़रूर, पर एक दिक्कत आ गई साला, था डेड विलेज, दूर से नहीं लग रहा था, दूर से स्नो ही लग रहा था, कॉब्वेब नहीं दिख रहे। पर जैसे ही पास गए हार्ट अटैक आ गया, भाई साहब ये क्या देख लिया, बहुत बीटी आया। इस पर इग्लू वगैरह भी मिले, और मेरे को यार कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो ये जो इग्लू हमको मिला है इस विलेज पे, वो रियल वाला इग्लू है कि ऐसे ही इस बायोम में मिलता है ऐसा इग्लू, रेड वाला इग्लू है या फिर नहीं है, ये मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। फिलहाल बढ़ते आगे, यहाँ पे विलेज वगैरह है, थोड़ा लूट लाट करेंगे। तब तक आप वीडियो देखो, साउंड भी अच्छा खासा बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है, अब देखो मिलते हैं उसके बाद। तो भाई आ चुके तुरंत वापस, और मैं यही इग्लू की बात कर रहा था। ये जो इग्लू जैसा दिख रहा है ये रियल है कि नहीं मेरे को बताना, ये वही है कि जिसके नीचे कुछ चेस्ट वगैरह मिलता है या फिर दो विलेजर मिलते हैं, ये वही वाला है कि नहीं मेरे को एक बार ये बताना कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। फिलहाल लूट की बात करें, बहुत प्यारी लूट मिल गई थी पूरे विलेज में, एमरल्ड वगैरह, खाना, भरपूर सब मिल गया था, बहुत ही सही चल रहा था। और नोटिफिकेशन वगैरह को प्लीज़ जस्ट इग्नोर करो, और लक देख रहे हो तुम्हारे भाई का, जैसे ही इग्लू दिखा, इग्लू को लेटा, पीछे की साइड मिल जाएगा यहाँ पे हमको रूइंड पोर्टल। और एज ऑलवेज पता ही रहेगा रूइंड पोर्टल में मिलते हमें गोल्ड की चीज़ें और थोड़ी एन्चेंटेड चीज़ें मिलती है, ज़्यादा तो नहीं पर अच्छी खासी एन्चेंटेड थी। स्मार्ट वन लगा था, फिर अनब्रेकिंग वगैरह लगा था, 15 आयरन इंगेट नगेट मिल गए थे, सॉरी नगेट, फ्लिंट एंड स्टील दो दो मिल चुके थे, बहुत ही बढ़िया लूट हो चुकी थी। जूते वगैरह पहन लिए, फिर यार बात करें पूरा विलेज वगैरह लूट लिया सब कुछ करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, डायरेक्टली मिलते हैं उस टाइम पे, और तब भी आपको आई थिंक सो लूट दिखेगी ज़रूर। और एक बार जहाँ पे भी चेस्ट मिले मोस्टली एमरल्ड तो देखने को मिले ही थे, मीन्स ये विलेज था बहुत ही लक्की, बहुत ही प्यारा। इस पे हमको दो दो गोल्ड सॉरी डायमंड हॉर्स आर्मर मिल चुके हैं, अच्छे खासे ब्रेड, आयरन इंगेट, इससे मैं बकेट बना लूँगा, वो थोड़ा कटवट कर दिया है, थोड़ा चलता है। तो मिलते हैं अब डायरेक्टली आपको थोड़ी देर बाद, जब इस विलेज से निकलेंगे तब मिलते हैं। तब तक के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक यार एंजॉय करो, क्या कर रहे हो रे। एट दी एंड यार पूरा विलेज वगैरह लूट लाट के हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी थे, मैं तो निकल गया था, मेरे साथ जो डेवस्टर भैया थे वो थोड़े रह गए थे पीछे की साइड। और ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया क्योंकि हम बहुत ही आगे गए थे, बहुत ही नहीं मीन्स हल्का फुल्का आगे ज़रूर गए थे। और यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है एक प्यारा सा सुनहरा एक और विलेज, दूर से तो माउंटेन जैसा लग रहा है, अभी भी आई थिंक सो माउंटेन जैसा लग रहा है, पर जैसे ज़्यादा पास जाएंगे तब दिखेगा कि नहीं यहाँ पे एक और नन्हा सा प्यारा सा विलेज मिल चुका है।
इसके भी लूट की बात करें, इसमें भी बहुत प्यारी सुनहरी लूट थी। इसमें भी एमराल्ड वगैरह आई थिंक सो अच्छे खासे मिल चुके थे, बहुत ही प्यारी लूट मिल चुकी थी ऑलरेडी, मीन्स कोई दिक्कत ही नहीं, और अच्छी खासी और लूट मिलेगी। और आप एरिया वगैरह भी देख सकते हो, मैं एरिया ही दिखा रहा हूँ कि देखो घर बनाने के लिए क्या प्यारा एरिया है। यहाँ पे अपना घर बनाएंगे, और हाँ इस पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हम इस एपिसोड पे। इस एपिसोड पे सिर्फ मैं वही दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने घर बनाने के लिए सारी चीज़ें इकट्ठा की। बहुत प्यारी प्यारी अनोखी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, तो देखता पूरा वीडियो, बहुत मज़ा आएगा, लास्ट तक ज़रूर देखना। फिलहाल लाइब्रेरियन का घर मैं भूल गया था कि ऊपर चेस्ट वगैरह नहीं मिलती, तो फिर पहले तो इसको भी पूरा लूटेंगे। और यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ यह है कि बिल्कुल विलेज के बीच में हमको देखने को मिल रहा है भाई साहब केव, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुनहरा सा, बहुत ही सुंदर सा, मीन्स मज़ा आने वाला है। इस पर माइनिंग वगैरह धूमधाम से होगी, मीन्स अलग लेवल में से आएंगे, अलग ही मज़े आएंगे। यहाँ पे फिलहाल फार्मिंग वगैरह कर ली मैंने, फिर आई थिंक सो मैं लूटूंगा पूरा विलेज, और उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको विलेज लूटने के बाद ही मिलता हूँ। और हाँ, जो जगह मैंने पहले दिखाई थी आपको फार्म करने मीन्स घर बनाने के लिए, वहाँ पे जगह चेंज हो रही है, और देखना कहाँ पे हम दूसरी जगह लेते हैं, और पूरा देखो ये कहाँ पे जाते हैं, क्या करते हैं। और एक और बात, यहाँ पे मैं फिलहाल पहले तो वही कर रहा था कि जगह क्लियर कर देता हूँ ये ग्रास वगैरह से, ताकि अच्छा घर बन सके, पर नहीं, फिर यहाँ से जगह चेंज होने वाली है जल्दी। यहाँ पे मेरे को देवस्टर ने ऑर्डर दे दिया, भाई क्या हरामी इंसान है, मेरे को भी काम करवाना को बोलता है सब, वो भी यार बहुत मेहनत कर रहा है, वो सबसे पहले काम करने के लिए गया था फिर मेरे को बोल रहा है, मीन्स अच्छा बंदा है। उसने बोला कि यार सैम आई थिंक सो टेराकोटा से घर बना रहा है अपना, बहुत ही प्यारा सा, और घर रहेगा वाइट एंड लाइट ग्रे पे, तो मीन्स ज़्यादा मज़ा आएगा। बात करें यहाँ से, मैं अब शवल बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी शवल चाहिए फिलहाल, तो चेस्ट वगैरह बना के सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें रख दूँगा, शवल बनाएंगे, फिर जाएंगे हम सैंड एंड ग्रेवल लेने। और देवेस्टर भाई ने मेरे को बोला है, भाई तू एक काम कर, ऐसा कोबलस्टोन वाला एरिया ढूंढ, माउंटेन वाला, जहाँ पे बीच बीच में बहुत सारी कोबल वो रहता है ग्रेवल, तो तू ऐसा एरिया ढूंढ और वहाँ से बहुत ग्रेवल ले गया, तो आप देखो आगे जाके हम कैसा बड़ा एरिया ढूंढते हैं, ग्रेवल वाला मिलता है कि नहीं मिलता, ये अब आगे जाके देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। और बीच में थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं सैंड वगैरह ही ले रहा हूँ, तो मिलते डायरेक्टली हम वहीं पे जहाँ पे हमको एरिया वगैरह मिलने वाला है, ठीक है। तब तक आप बैकग्राउंड म्यूजिक एंजॉय करो, और यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर करो रे, क्या कर रहे हो। और हाँ, अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, 1 रुपीज़ पर डे भी नहीं है, 29 रुपीज़ का मेंबरशिप है, ज़रूर से ले लेना। अगर चाहते हो तो ऑन स्ट्रीम भी ले सकते हो, ताकि समझ रहे हो, तो ठीक है। फिलहाल अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सैंड वगैरह इकट्ठा करने, तो मिलते हैं आपको डायरेक्टली ग्रेवल वाले एरिया पे। तब तक के लिए आप बैकग्राउंड म्यूजिक एंजॉय करो, और हाँ ग्रेवल वाला एरिया बहुत ही सुंदर मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा मिलने वाला है, तो देखना ज़रूर, ठीक है, मिलते हैं बाद में। तो आ चुके यार, जैसे ही देवस्टर भाई ने बोला था कि भाई बहुत ही प्यारा सुनहरा सा, तू ग्रेवल वाला एरिया ढूंढ के देख, तो अभी हमको जस्ट वही मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा ग्रेवल वाला एरिया, जिसको लिटरली मैंने तो पहली बार देखा है। अगर आपने पहले ऐसा एरिया देखा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस एरिया को क्या कहते हैं मेरे को ये भी बताना, ठीक है। तो आपके सामने अब थोड़ी देर में आने वाले बहुत ही चुम्मी सी चीज़, आई थिंक सो आपने भी पहली बार देखा हो, ऐसा हो सकता है, पर अगर आप फॉलो करते हो माइनक्राफ्ट हो तो आप देखा होगा, पता नहीं मेरे को। फिलहाल आप देख सकते हो, फिलहाल मेरे को यहाँ पे हल्की फुल्की ग्रेवल दिख जरूरी है, पर आगे जाते ही भाई साहब यहाँ पे लिटरली दो दो या तीन तीन माउंटेन पूरे ग्रेवल के देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हो कितना ग्रेवल यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे हमारी तो चांदनी लग चुकी है, जितना भी ग्रेवल चाहिए, जितना भी टेराकोटा के लिए ग्रेवल चाहिए रहेगा यहाँ से मिल जाएगा। फ्लिंट की बात करें, फ्लिंट आई थिंक सो हमारे पास 2 स्टैक तो ऑलरेडी हो चुका होगा ये वीडियो ख़त्म होने पे, और अगर ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से आके ले सकते हैं इजी। दो दो माउंटेन हैं पूरे पूरे, और अब आप देखो हम कैसे पूरा ग्रेवल को ले लेते हैं,
एट द एंड देखना तुम्हारे भाई ने कितनी मेहनत की, तुम्हारे भाई ने यहाँ से कितना ग्रेवल उठाया, कितना क्या लिया। और हाँ, अगर बैकग्राउंड गुजर रहा है तो उसके लिए यार सॉरी। फिलहाल आप देखो क्या ही कोबल शूट फिर से बनाया, फिर से शॉल वगैरह बनाई और यहाँ पे पूरा एरिया हमने जान दिया था, सब कुछ ग्रेवल वगैरह जेब में, पूरा इन्वेंटरी हमने ग्रेवल से भर दिया था लिटरली। और यहाँ पे बैट लेना था, उसके लिए स्टिक भी दिखा रही पड़ी। आप देखो कितना ग्रेवल हमने यहाँ से उठाया, पूरा एरिया में दिखा रहा हूँ कितना एरिया से मैंने ग्रेवल यहाँ से निकाला है। मीन्स यहाँ पे फुल बूम बाम रहने वाला है, बहुत ही जितना मिल रहा था सब कुछ उठा ही लिया, इन्वेंटरी फुल हो गया। वरना यहाँ पे मैं और यहाँ पे निकाल रहा, आई थिंक सो मैंने यहाँ पे 7 से 8 शवल तोड़ी थी लिटरली। इतने एरिया मैंने खोदने के बाद 7 से 8 शवल तोड़ी, पूरा एरिया ये जितना भी दिखा रहा हूँ सब मैंने निकाल दिया है ग्रेवल लेने के लिए। यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ भी बना दी, ये पूरा एरिया यहाँ से मैंने निकाल दिया ग्रेवल के लिए। नीचे कोबलस्टोन आ गया, वहाँ से इसलिए निकलना पड़ा मेरे को। और अब तो मैं यहाँ से आई थिंक सो निकलूँगा, फिर से रास्ते में थोड़ी स्टैंड वगैरह मिलेगी वो सब कुछ लूँगा, पूरा दो स्टैक स्टैंड करूँगा और फिर आई थिंक सो मैं जाऊँगा यहाँ से डायरेक्टली अपने घर पे जहाँ पे सब चीज़ें रखी है। मीन्स भाई मैं तो यार हैरान हूँ कि इतना एरिया भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता ग्रेवल वाला, हम मेरे को पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मिल सकता है कि नहीं इतना ज़्यादा एरिया ग्रेवल का। लिटरली दो दो पहाड़ है दोनों, मैंने तो ठीक से देखा हुआ है, आप लोगों ने आई डोंट थिंक सो मेरे को मैं दिखा पाया हूँ पूरा ठीक से। पर अगर आपने देख लिया इतना ज़्यादा मिल सकता है कि नहीं मेरे को बताना। और क्या ये हमारा वर्ल्ड बहुत ही लकी है इसलिए मिल रहा है कि नहीं पता मेरे को, आप लोग बताना। फिलहाल अब यहाँ से जाता हूँ घर की ओर डायरेक्टली, देख रहे हो तुम्हारा भाई का जादू, 1 सेकंड में तुम्हारे भाई ने वहाँ से घर तक पहुँचा दिया। सही है, वैसे यहाँ पे आके अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना सैंड डेवेस्टर ने कलेक्ट किया है और ग्रेवल तो मैं सब कुछ लेके आया। सही है, यहाँ पे मैं एक बार केव भी देखने आया था कि अब प्यारी केव है भाई, मैं तो इसको माइन करने जाऊँगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पे फिलहाल पहले ही आयरन दिख चुका है, आयरन भी मैं निकाल लूँगा, वो भी थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, उसका एक ही रीज़न है, समझ रहे हो तुम्हारे भाई का जादू। जो भी है यहाँ से फिलहाल अपने लिए प्यारा सा घर भी ढूंढ लिया यहाँ पर फिलहाल स्टोरेज के लिए अपने देवेस्टर भाई ने, वो आपको भी दिखाएंगे। जहाँ पर लिटरली बैरल्स लगे हुए हैं, दो दो चेस्ट है, दो फर्नेंस भी है। मीन्स आपको ऐसा प्यारा घर मिल नहीं सकता, ऐसा बना के रखा है भाई ने। जो भी है वहाँ पे जाएंगे चीज़ें रखेंगे, आप देखो वो साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक तो ऑलरेडी है। यहाँ पे फिलहाल मैं तो घर ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था भाई ने कहाँ पे रखा है, इसलिए मैं तो घर ढूंढ रहा हूँ, मिलते हैं डायरेक्टली घर मिलने के बाद। ये एट द एंड मेरे को भी घर मिल गया, ये सामने वाला है, ठीक है। पहले तो मेरे को भी नहीं पता था कि यही घर है, पर अभी आप देवेश्वर भाई का जादू देखो एकदम से, आप देखना यहाँ पे मेरे को कहीं पे दिखा है नहीं, उसने बोला मैं वहीं पे हूँ और एकदम से पीछे मुड़े भाई देवेश्वर भाई हाजिर, कहाँ से आया क्या हुआ मेरे को घंटा पता नहीं है, कहाँ से कैसे आया उसकी आप अभी थोड़ी देर में सैंड देखना। फिलहाल मैं ये सारा ग्रेवल कोई भी एक बैरल पे रख दूंगा,
पूरा ग्रेवल बेस मीन बैरल बेस ग्रेवल से भर जाएगा, ग्रेवल बैरल सब एक साथ हो गया। और मैंने भी बहुत अच्छा यार ग्रेवल वगैरह उठाया था, मीन्स बहुत ही प्यारी चीज़ कर दी थी भाई ने भी, मीन सही है। अब हम भी थोड़ा इकट्ठा करते हैं और थोड़ा प्लान में भी चेंज है, टेरा कोटा के साथ घर वगैरह बन जरूर है। पर डेवेस्टर भाई बोल रहे अगर हमें फ्लोरिंग बहुत प्यारी करनी है तो वो करते हैं स्नो से, इतना सारा यहाँ पे स्नो वगैरह भी ऑलरेडी हमको मिला पड़ा है, ठीक है, नेचर गिफ्ट है, अच्छा खासा स्नो ऑलरेडी मिला पड़ा है हमको, फिर क्यों हम स्नो का फ्लोरिंग नहीं करें ये बताओ। इसलिए प्लान में थोड़ा चेंज आ चुका है, फ्लोरिंग वगैरह होगा अपना आप स्नो से, स्नो ब्लॉक जैसा रखता है वो अभी आपको दिख जाएगा। और अब थोड़ी देर बाद फिर से फास्ट रोड आएगा 16x स्पीड पे और वहाँ पे मैं पूरा स्नो वगैरह कलेक्ट करने वाला हूँ, तो वो तो फास्ट रोड में मिलेगा ना, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अब डायरेक्टली मिलते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, तब तक के लिए आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ एंजॉय करो, और बैकग्राउंड म्यूज़िक का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको भी चाहिए तो। भाई साहब स्नो वगैरह तो बहुत कलेक्ट कर लिया, स्नो बोल ही बोल सकते हो, उससे स्नो ब्लॉक भी मैंने अच्छे खासे बना लिए थे, आप डायरेक्टली देख सकते हो, वहाँ से स्टार्टिंग से मैंने कट कर दिया था, फिर डायरेक्टली एंड पे वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो था, लिटरली ये 1 घंटे 33 मिनट का वीडियो था, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का मिल रहा है, मीन समझ रहे हो तुम्हारी बाइक की एडिटिंग। और आप देख सकते हो कितना सारा स्नो मैं लेके आया हूँ, स्नो ब्लॉक बोलते या स्नो बोलते मेरे को आइडिया नहीं है, पर जो भी है स्नो ही आई थिंक से बोलते हैं, स्नो पोल है वो तो मैं बिगाड़ दूंगा। तो ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो पे, और यार 3 मिनट का और लंबा वीडियो है इसलिए क्या कर रहा हूँ पता नहीं, पर जो भी है देखते हैं और साथ में आपको मिलेगा ही। फिर बात करें इतना सारा स्नो वगैरह मैं लेके आ चुका हूँ, अब मैं थोड़ा शिफ्ट वगैरह कर लूँगा, मीन्स अपनी पुरानी चेस्ट कहाँ थी वो ढूंढूंगा, वो सब करके फिर से मैं यहाँ पे आके इस घर के आगे आकर रख दूंगा। तो मिलते हैं आपको उस टाइम पे, और आपने देखा ही फ्लोरिंग के लिए कितना सारा तुम्हारा भाई स्नो लेके आ चुका है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो पे लाइक है मैं 25 लाइक्स का रख दे चलेगा, 25 लाइक्स का लाइक गोल है, जल्दी से कंप्लीट करवा देना तुम्हारे भाई के 25 लाइक्स। तो मिलते आपको थोड़ी देर बाद क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो अभी 2 मिनट और बचे यार, थोड़ा पक जाओ, थोड़ा 2 मिनट और देख लो, थोड़ा वॉच और दिलवा देना ठीक है। Stranger.
लास्ट पे कुछ आया तो नहीं यहाँ पे, आप फास्ट फूड वगैरह वगैरह देख ही सकते हो। मैंने पूरा स्नो वगैरह जितना भी एक्स्ट्रा मिला सब कुछ कर लिया मैंने। मेरी पुरानी चेस्ट मीन्स जहाँ पे एमरल्ड वगैरह थे ये भी हमने यहाँ पे रख दिया है, तो ऑल सेट टू गो। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।